बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल से डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जिस तरह आप जानते हैं कि आजकल हम बच्चों पे बात करते हैं, और आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो बच्चों का डरना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे नींद में अचानक डर कर उठ जाते हैं और बहुत देर तक रोते रहते हैं, या घर में आने वाले मेहमानों से डरते रहते हैं या डर जाते हैं, या गली में गुजरने वाले को देखकर डर जाते हैं, या शाम को जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है तो बच्चे डर जाते हैं, या आम तौर पर छोटे बच्चों में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डर और खौफ पाया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपके साथ मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शेयर करूँ जो इसके लिए मुफीद और बेनिफिशियल है। तो उसी सिलसिले में आज फिर मैंने ये टॉपिक रखा है। तो अगर इस तरह की कंप्लेंट्स बच्चे में हों तो उसके लिए एपस मिलिफिका 30 पोटेंसी और जेलसीमियम 30 पोटेंसी। याद रखिए कि इसके लिए हम सिंगल एपस मिलिफिका को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम मिला के करें तो बच्चे के साथ कमज़ोरी और सुस्ती भी दूर हो जाती है। और जेलसीमियम 30 और एपस मिलिफिका को मिला के कॉम्बिनेशन बना लें, और उसे अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम उसे खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पिलाएं। और अगर 5 से 10 साल के दरमियान में है तो 5-5 कतरे, और अगर 10 साल से ऊपर है तो 7-7 कतरे। इसी तरह इस दवाई को उस वक्त तक आपने जारी रखना है जब तक बच्चे की ये डर वाली कंप्लेंट मुकम्मल तौर पे सबसाइड नहीं हो जाती, या बच्चा मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो जाता। तो ये एक बड़ा अच्छा और सक्सेसफुल नुस्खा है। तो मेरी गुजारिश है अपने होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान से जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसे आप यूज़ करके अपने पेशेंट्स पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मेरी सबका वीडियोस की तरह आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होम्योपैथिक रिलेटेड मालूम पहुँचें और लोग होम्योपैथिक वेजर मेडिसन की तरफ आएँ जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खुद और अपने प्यारे बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएं और एक नॉर्मल लाइफ और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये लाइफ के ऊपर किसी किस्म के नेगेटिव इफ़ेक्ट ये मेडिसिन नहीं डालती। तो दोस्तों, मैं उन दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन दोस्तों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जेंटल टच ज़रूर दे लें ताकि मेरी तमाम अपलोड होने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें और वो होम्योपैथिक रिलेटेड मालूमात से अपडेटेड रहें। मैं बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा किसी मुफीद होम्योपैथिक मेडिसन या ट्रीटमेंट प्लान के साथ या हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। उस वक्त तक डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।